ग्वालियर जिले के डबरा में पत्नी की हत्या कर पति ने शव को पहले अपने होटल के पीछे खेत में बने कुएं में गड्ढा खोद कर दफनाया। इसके बाद खुद ही 12 जुलाई को बिलौआ थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंच गया। 2 हफ्ते तक महिला की तलाश में परेशान होती रही। पुलिस ने आखिरकार मामले की गुत्थी को सुलझा दिया है। मामले में पति सोनू यादव ही अपनी पत्नी का कातिल निकला। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को अपने होटल के पीछे खेत में गड्ढा खोद कर दफना दिया था। पुलिस के पूछताछ में यह बात सामने आई है। पुलिस आरोपी को उस जगह पर लेकर पहुंची जहां पर उसने पत्नी को दफनाया था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मृतक प्रगति यादव का शव निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। आरोपी पति पुलिस के हिरासत में है, जिससे आगे की पूछताछ की जा रही है। मृतक प्रगति के चाचा नरेश यादव ने कहा कि मुरैना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रहने वाली प्रगति यादव का विवाह जोरासी में रहने वाले सोनू यादव से लगभग 18 साल पहले हुआ था। दोनों के 2 बच्चे भी हैं जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बताया गया कि लगभग 1 साल से प्रगति और सोनू के बीच अनबन भी चल रही थी, जिसकी शिकायत प्रगति ने और उसके मायके वालों ने कई बार थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली। प्रगति बार बार पुलिस को शिकायत में यह भी बताती रही कि उसकी जान को ससुराल वालों से खतरा है, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। वहीं परिजनों की माने तो उनका कहना है कि यदि पुलिस उनकी बच्ची की समय रहते सुनवाई करती तो आज उसकी हत्या नहीं होती। वहीं प्रगति की हत्या किन कारणों और किन वजहों के चलते की गई है, पुलिस इसकी पूछताछ पकड़े गए आरोपी सोनू यादव से कर रही है। हत्या में और कौन कौन लोग शामिल थे, इसका खुलासा पुलिस जांच करने के बाद करने की बात कह रही है। मृतक के चाचा नरेश यादव का आरोप है कि शादी के बाद से उसके पति का रवैया ठीक नहीं रहा और आए दिन वह उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था, जिसे लेकर वह समझाने पहुंचे थे तो उनके साथ भी उसने मारपीट की थी। अगर पुलिस उस समय उनकी शिकायत सुन लेती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। इस संबंध में एडिशनल एसपी गजेंद्र वर्धमान का कहना है कि आरोपी पति पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग अलग कहानी सुना रहा है। शव को बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का खुलासा होगा कि आरोपी ने हत्या कैसे की। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटी कुंदन ओल्की इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर।